नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर का एक कथित ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा पैसे वालों को टिकट देती है। वहीं इस ऑडियो के सामने आने पर हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से बात की गई तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें भी किसी से इसके बारे में पता चला है। उन्होंने अभी ऑडियो सुना नहीं है, ऑडियो सुनने के बाद ही वह कुछ कह सकते हैं। बता दें कि ऑडियो में गुलाब सिंह ठाकुर दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए टिकट ना मिलने पर अपनी नाराजगी जताते हैं। वह कहते हैं कि पार्टी ने हमसे ज्यादती करके पैसे वाले को टिकट दिया है। इस पर दूसरी तरफ से बात करने वाला आदमी कहता है कि पार्टी ने आपको पूरा मान सम्मान दिया और सरकार में रहते हुए अहम पद पर बिठाया। इसके बाद गुलाब सिंह ठाकुर कहते हैं कि वह अपने बलबूते पर अहम पद तक पहुंचे थे, ना कि किसी के एहसान से यह पद हासिल किया था। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि गुलाब सिंह जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनसे वह टिकट ना मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जता रही हैं। इसका वह बदला चुकाने की बात कर रहे हैं। वहीं इस ऑडियो ने भाजपा में हड़कंप मचा दिया है। टिकट आवंटन को लेकर पार्टी के कई नेताओं में काफी नाराजगी है और यह खुलकर सामने भी आ चुकी है। बता दें कि जोगिंदर नगर से गुलाब सिंह ठाकुर का टिकट काट कर भाजपा ने प्रकाश राणा को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में यहां से बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी ने इस बार के चुनाव में उन्हें इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिकट ना मिलने से गुलाब सिंह ठाकुर की नाराजगी इस ऑडियो से सामने आई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना।